हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल वेज एंड स्पाइस में। तो आइए मिलकर बनाते हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे हम व्रत में भी खा सकते हैं या हमारे घर में गेस्ट आए हों तो भी हम इसे बना सकते हैं। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक भारी तले का बर्तन लेंगे और इसमें लगभग 1 लीटर दूध डालेंगे। दूध आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन दूध अगर ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा गाढ़ा बनेगा। तो यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अब इसे हम धीमी आंच पे धीरे धीरे इसको पकने देंगे, मतलब दूध को गाढ़ा होने देंगे। अब मैंने यहाँ पे लगभग 1/2 किलो लौकी ले लिया है और इसे धुल के छील लिया है। इसे हम इस मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे और इसके किनारे किनारे से हम ग्रेट करेंगे। बीच का इसका जो वाइट वाला पार्ट होता है उसे हम ग्रेट नहीं करेंगे, उसे हम निकाल देंगे। तो अभी मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से इसे हम ग्रेट करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे ग्रेट कर लेना है। इसके वाइट वाले पार्ट को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं, बट उससे पकड़ने में दिक्कत होती है, इसीलिए हमने इसे ऐसे ही ग्रेट किया है। तो देखिए, इसका मैंने वाइट वाला पार्ट निकाल लिया है और मैंने अब इसे घिस लिया है। अब हम एक भारी तले का कोई कढ़ाई या फिर कोई बर्तन लेंगे। उसमें यहाँ मैंने लगभग 1 छोटी कटोरी मखाना लिया है और इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, बट मैं ऐसे ही ड्राई रोस्ट करती हूँ। तो इसे हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि ये कुरकुरा ना हो जाए। इसे ऐसे दबा के देखेंगे और ये ऐसे फूटने लगेगा। फिर हम इसके बाद हम और भी जो मेवे हैं उसे डालेंगे, जैसे काजू, बादाम, और भी जो आपके घर में मेवे हो आप उसको डाल सकते हैं। इसे डाल के हम ऐसे ड्राई रोस्ट करेंगे। थोड़ी देर तक ऐसे करने के बाद इसको ऑफ कर देंगे और इसे इसी बर्तन में ऐसे रखा रहने देंगे। अब हम साइड में दूध पे भी नज़र रखेंगे। दूध को हमें हिलाते रहना है और धीमी आंच पे इसे गाढ़ा होने के लिए रख देना है। अब हम एक छोटे से ग्लास ऐसे लेके इस मखाने को हमने ऐसे क्रश किया है। इसे हमें पूरा बारीक नहीं करना है, बस ऐसे क्रश करना है कि मखाने के 2 टुकड़े हो जाएं। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे क्रश करना है। अब हमारा जो ये लौकी है इसका हम सारा पानी निकाल लेंगे। इस तरीके से इसे प्रेस करेंगे हल्का हल्का, इसका पानी निकाल लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पैन में मैंने 2 बड़ा चम्मच घी लिया है, देसी घी यूज किया है मैंने, और इसमें लौकी को भूनेंगे। 1 मिनट तक भूनेंगे, इसका कलर जब तक चेंज हो जाए तब तक के लिए इसे भूनेंगे, इससे इसमें टेस्ट आएगा। अब हम लौकी को दूध में डालेंगे और थोड़ी देर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे इस तरीके से हिलाते हुए मिक्स करेंगे और इसके बाद धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1/4 कप चीनी लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे कम ज़्यादा रख सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम पसंद है तो आप कम भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 5-6 इलायची कूट के डाला है। अब इसमें हम क्रश किए हुए मखाने और मेवे डालेंगे, इससे इसमें एक गाढ़ापन आएगा और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आप ऐसा नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, इससे आपको एक अलग ही टेस्ट मिलेगा। इसे ऐसे मिक्स करके बस 2 मिनट के लिए और गैस पे रखना है। अब ये हमारा रेडी हो गया है। तो ये देखिए, गर्मा गर्म खीर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म खाइए या फिर आप इसे ठंडा करके खाइए। और इससे हम थोड़े से मेवे से और डेकोरेट करेंगे, ये थोड़ा अच्छा लगेगा ऊपर से ऐसे डाल के, देखने में अच्छा लगता है। आप इस पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। आ रहा है ना मुंह में पानी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।